नमस्कार साथियों मैं विपिन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचर मेकर में तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी तो आज हम साइंस के अंतर्गत फिजिक्स के कुछ नए प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम जैसे कि यूपी पुलिस बिहार एस आई एम पुलिस या फिर एस एस के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न है सदिश राशि है ए दाब बी को संवेग सी धारा और डी शक्ति तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है बताइए आप लोग सबसे पहले बात आती है कि सदिश राशि क्या होता है बताइए आप लोग सदिश राशि क्या होता है <coughs> जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है किसकी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं क्या कहते हैं परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं और सदिश राशि के अंतर्गत क्या क्या आता है राशि के अंतर्गत वेग संवेगौड़ी संवेग त्वरण बल आघूर्ण धारा चुंबक तीव्रता ये सभी सदिश राशियां क्या है ये सभी सदिश राशियां सदिश राशियां कौन होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है जैसे कि वेग संवेग कोड़ी संवेग त्वरण बल बलाघूण धारा चुंबक तीव्रता और आदि ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोड़ी सदिश राशि है ठीक है चलते हमारे अगले प्रश्न पर <laughs> अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अधिश राशि है बताइए बताइए आप लोग निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है ए संवेग बी सी और डी द्रव्यमान तो होता है तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त, व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता हु होती है दिशा की नहीं कौन सी जिन्हें व्यक्त करने के लिए, के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हु होती है दिशा की नहीं उन्हें हम अधिश राशि कहते हैं क्या कहते हैं वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता परिमाण की आवश्यकता हो होती है दिशा की नहीं उन्हें हम अधिश राशियां कहते हैं और अधिश राशियों के अंतर्गत कौन कौन सी आती है बताइए आप लोग अधिश राशियों के अंतर्गत कौन कौन सी राशियां आती हैं बताइए आप लोग तो वो आती हैं दूरी विस्थापन आयतन घनत्व ऊष्मा क्षेत्रफल द्रव्यमान कार्य ऊर्जा शक्ति विद्युत धारा आदि ये सभी राशियां अधिश राशियां तो अधिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो होती है दिशा की नहीं जैसे कि दूरी विस्थापन आयतन घनत्व क्षेत्रफल द्रव्यमान कार्य ऊर्जा शक्ति विद्युत धारा आदि तो बताइए हमारा आंसर क्या होगा तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी द्रव्यमान क्या होगा द्रव्यमान एक अधिश राशि है चलते हमारे अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न हमारा पृथ्वी पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है बताइए आप लोग पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है ए गुरुत्वाकर्षण से बी पृष्ठ तनाव से सी पृथ्वी का अपवर्तन से और डी सूर्य के प्रभाव से तो बताइए आप सभी लोग पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार से पकड़े हुए हैं? <laughs> बताइए पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े हुए हैं? तो पृथ्वी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पकड़े हुए किससे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पकड़े हुए तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन ए पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े गुरुत्वाकर्षण से ठीक है चलते हम अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पर ए द्रव्यमान पर बी वेग पर सी आयतन पर और डी संवेग पर तो बताइए आप सभी लोग एक वस्तु के जड़त्व की निर्भरता है किस पर ए द्रव्यमान पर बी वेग पर सी आयतन पर और डी संवेग पर बताइए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए द्रव्यमान पर जड़त्व किस पर निर्भर करता है द्रव्यमान पर तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए ठीक है <coughs> अगला प्रश्न है विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है तो विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है बताइए आप लोग ए विभव मापी बी अमीटर सी वोल्टमीटर या वोल्टमापी और डी गैलवेनोमीटर तो बताइए आप सभी लोग विभवांतर मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं बताइए सबसे पहले बात करते हैं हम गैलवेनोमीटर की किसकी गैलवेनोमीटर की इससे क्या मापा जाता है बताइए गैलवेनोमीटर से क्या मापा जाता है तो गैलवेनोमीटर से विद्युत धारा मापी जाती क्या विद्युत धारा ठीक है और वोल्ट मापी यानी वोल्ट मीटर से विभवांतर और अमीटर से विद्युत धारा अमीटर से भी विद्युत धारा मापी जाती है तो हमारा आंसर क्या है हमारा आंसर है ऑप्शन सी वोल्ट मापीया, वोल्ट मीटर अच्छा ये बताइए अमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस क्या होता है बताइए अमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस क्या होता है अमीटर से भी विद्युत धारा मापी जाती है और गैल्वेनोमीटर से भी बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो जो गैल्वेनोमीटर होता है उससे बहुत ही सूक्ष्म विद्युत धारा मापी जाती है। क्या होता है बहुत ही सूक्ष्म विद्युत धारा मापी जाती है बहुत ही सूक्ष्म विद्युत धारा मापी जाती है तो हमारा प्रश्न क्या था विभवांतर मापने की प्रयुक्ति कौन सी है प्रयुक्ति युक्ति कौन सी है वोल्ट मापिया वोल्ट मीटर ठीक है चलते है हमारे अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है वेंटुरी मीटर से क्या मापा जाता है ए द्रवों की चाल बी द्रव का प्रवाह सी द्रव का तापमान और डी द्रव का त्वरण तो बताइए आप सभी लोग मीटर से क्या मापा जाता है बताइए इसका आंसर दीजिए सभी लोग तो वेंटुरी मीटर से क्या मापा जाता है वेंटुरी मीटर से हम द्रवों का प्रवाह मापते क्या मापते हैं वेंटुरी मीटर से हम द्रवों का प्रवाह मापते हैं तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन बी द्रव का प्रवाह <coughs> चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है एंगेस्ट्रॉम क्या मापता है बताइए ए आवृत्ति बी तरंग सी आवतकाल और डी समय बताइए आप सभी लोग एंगेस्ट्रॉम क्या मापता है <coughs> एंगेस्ट्रॉम क्या मापता है एंगेस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है बताइए आप लोग एंगेस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है तरंग दर क्या तरंग दर्द को हम एंगेस्ट्रॉम में मापते हैं और वहीं बात करें आवृत्ति को आवृत्ति को हम किसमें मापते हैं बताइए आवृत्ति को हम किसमें मापते हैं तो आवृत्ति के लिए हम हर्ट्स का उपयोग करते हैं किसका हर्ट्स का आवृत्ति के लिए हम हर्ट्स का उपयोग करते हैं वहीं बात करें आवत काल की आवत काल को में मापते हैं बताइए आवत काल को हम किस में मापते हैं? हैं तो आवत काल के लिए हम सेकंड का उपयोग करते हैं किसका सेकंड का ठीक है आवत काल के लिए हम सेकंड का उपयोग करते हैं वहीं समय के लिए समय के लिए भी हम सेकंड का उपयोग करते हैं ठीक है एंगस्ट्रॉम सेकेंड आवृत्ति को किसमें मापते हैं हर्ट्स में तरंग दैर को तरंगदेट्रॉम में आवत काल को सेकेंड में और समय को भी सेकेंड में मापते हैं ठीक है तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन तरंग तरंगदर एंगेस्ट्रॉम क्या मापता है तरंग दर ठीक है चलते हम अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है ए तापक्रम बी प्रवाह सी दाब और डी चाल तो बताइए आप सभी लोग टैकोमी टैकोमीटर से क्या मापा जाता है बताइए टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है बताइए आप लोग ए तापक्रम बी प्रवाह सी दाब और चाल बताइए इसका आंसर दीजिए कमेंट करके बताइए सभी लोग तो टैकोमीटर से क्या मापते हैं टैकोमीटर से हम वायुयान की चाल मापते क्या मापते हैं वायुयान की चाल मापते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी टैकोमीटर से हम वायुयान की चाल मापते तो आंसर क्या होगा चाल ठीक है और तापक्रम यानी तापक्रम को हम थर्मामीटर से मापते हैं टेम्परेचर किससे मापते हैं थर्मामीटर से मापते हैं दाप को किससे मापते हैं बताइए <दिफ़ था�ता> दाप को किससे मापते हैं बताइए आप सभी लोग दाप को किससे मापते हैं <दिफ़ थाले> तो दाप को हम बैरोमीटर से मापते <दिफ़> <दिफ़ थाले> <दिफ़ थाले> <adjustment in> <था> हैं किससे बैरोमीटर से अब बात आ रही प्रवाह को प्रवाह को किससे मापते हैं बताइए आप सभी लोग प्रवाह को हम किससे मापते हैं प्रवाह को हम फ्लोमीटर से मापते हैं किससे फ्लोमीटर से ठीक है चलिए एक बार और देखते हैं टैकोमीटर से क्या टैकोमीटर जो उपकरण है उससे क्या मापते हैं वायुयान की चाल तो आंसर क्या है चाल अब बात आ रही है तापक्रम तापक्रम से हम क्या मापते हैं तापक्रम के लिए किसका उपयोग करते हैं थर्मामीटर का प्रवाह के लिए किस मीटर का उपयोग करते हैं फ्लोमीटर का और दाप के लिए हम दाप के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है ए द्रव्यमान बी समय सी घनत्व और डी त्वरण तो बताइए आप सभी लोग इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है सदिश राशि क्या होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती क्या होती है परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियां कौन सी होती है वे राशियां जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है इसके अंतर्गत कौन कौन सी राशियां आती हैं? वेग संवेगौड़ी संवेग बल बल त्वरण तरण चुंबक तीव्रता धारा ये सभी सदिश राशियां तो फिर बताइए आप लोग इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि होगी बताइए द्रव्यमान है नहीं ये अधिश राशि है क्या है ये अधिश राशि है समय ये भी अधिश राशि है और घनत्व तो ये भी अधिश राशि है तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी त्वरण ठीक है त्वरण जो है एक सदिश राशि है चलते हमारे अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है बताइए आप सभी लोग कोई वस्तु अधिकतम स... अधिकतम भारशील कहां पर हो जाती है वायु में जल में हाइड्रोजन में और निर्वात में तो बताइए आप सभी लोग कोई भी वस्तु सबसे अधिक हैवी या भारशील कहां पर हो जाती है <clears throat> इसका आंसर दीजिए सभी लोग कोई भी वस्तु अधिकतम हैवी या भारशील कहां पर हो जाती है <utaral> ए वायु में बी जल में सी हाइड्रोजन में और डी निर्वात में तो सबसे अधिक भारशील कहा हो जाती है निर्वात में कहां पर हो जाती है निर्वात में तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन <coughs> डी चलते हैं हम अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है ए त्वरण का बी बल का सी क्षमता का और डी ऊर्जा का तो बताइए आप सभी लोग न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है बताइए इसका आंसर दीजिए सब लोग कमेंट करके क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर दीजिए न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है ए त्वरण का बी बल का सी क्षमता का और डी ऊर्जा का बताइए ऊर्जा का मात्रा क्या होता है ऊर्जा या शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट ठीक है क्षमता का कुछ नहीं होता है बल का क्या होता है बल का न्यूटन होता है ठीक है बल का न्यूटन होता है और न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका होगा तो ये होगा त्वरण का किसका त्वरण का तो हमारा आंसर क्या हुआ ऑप्शन ए त्वरण हमारा तो आंसर क्या है न्यूटन प्रति किलोग्राम किसकी यूनिट है त्वरण तो की ठीक है चलते है हमारे अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्व त्वरण तो ऑप्शन ए गेंद की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होगा ठीक है ऑप्शन बी गेंद की गति की दिशा में होगा और ऑप्शन सी क्या जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है और ऑप्शन डी उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है <coughs> तो बताइए आप सभी लोग यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्व त्वरण क्या होगा बताइए इसका आंसर दीजिए सब लोग यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरु त्वरण क्या होगा बताइए चलिए माना कि यह कोई गेंद है ठीक है इसको अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो इसकी गति किधर होगी ऊपर की ओर होगी इसकी चाल किधर होगी ऊपर की ओर होगी और जो त्वरण काम करेगा वो इसके नीचे की ओर काम करेगा क्या होगा इसकी विपरीत दिशा में काम करेगा ठीक है तो क्या होगा गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा त्वरण क्या होगा गेंद की गेंद की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होगा तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए ठीक है हमारा आंसर क्या है ऑप्शन ए यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय क्या होगा गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह ए बाहर की ओर झुकता है बी आगे की ओर झुकता है सी भीतर की ओर झुकता है और डी बिल्कुल नहीं झुकता है तो बताइए आप हाँ सभी लोग कोई साइकिल सवार जब किसी मोड़ पर घूमता है तो वह ए बाहर की ओर झुकता है बी आगे की ओर झुकता है सी भीतर की ओर झुकता है और डी बिल्कुल नहीं झुकता है तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप सभी लोग इसका आंसर होगा भीतर की ओर झुकता है क्या होगा भीतर की ओर झुकता है ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर ढकेला हुआ महसूस करता है कारण है बताइए ए कार साइकिल से भारी होती है बी कार के चार पहिए होते हैं और साइकिल के दो सी साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं और डी दोनों की चाल में अंतर होता है <coughs> तो बताइए इसका आंसर दीजिए सभी लोग क्या होगा एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तो अंदर की तरफ झुकता है ठीक है और जब कार चालक उसी मोड़ पर मोड़ लेता है तो उसको बाहर ढकेला हुआ महसूस होता है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा बताइए साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं क्या होता है केंद्रीय बल के कारण ऐसा महसूस करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी साइकिल सवार और कार का चालक दोनों केंद्रीय बल महसूस करते हैं ठीक है <laughs> चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है सूची वन और टू क्यू सूची टू को खोजे और और वैज्ञानिकों के नाम सुमेलित कीजिए सूची वन में क्या है ए संरचना बी ए संरचना ए बी ओ रक्त समूह सी जंपिंग जीन और डी रेगुलेटरी जीन ठीक है और सूची टू में इनके वैज्ञानिक दिए हुए हैं पहला है जैकब और मोनोड दूसरा है बारबरा मैकलिनटॉक तीसरा है वाटसन और क्रिग चौथा है लैंडस्टीनर तो बताइए इसका आंसर क्या होगा डीएनए संरचना की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी बताइए आप सभी लोग डीएनए संरचना की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी यह की थी वाटसन और क्रीक ने किसने वाटसन और क्रीक ने कब की थी उन्नीस में कब उन्नीस में वहीं बात करें ब्लड ग्रुप ए बी ओ इसकी खोज किसने की थी इसकी खोज की थी लैंड स्टीनर ने किसने लैंड स्टीनर ने कब की थी 1901 में। और बात करें जंपिंग जीन की तो बताइए जंपिंग जीन की किसने खोज की थी बताइए आप सभी लोग जंपिंग जीन की किसने खोज की थी तो जंपिंग जीन की खोज की थी बारबरा टॉक ने किसने बारबरा टॉक ने और वहीं रेगुलेटरी जीन की यह की थी जैकब और मोनार्ड ने ठीक है तो हमारा आंसर क्या होगा ए का थ्री बी का फोर सी का टू और डी का वन तो हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है सूची वन और टू को एक साथ सुमेलित कीजिए सूची वन में क्या दिया है ए कार्बोहाइड्रेट बी एंजाइम सी हार्मोन और डी प्रोटीन ठीक है और सूची टू में क्या है ए पहला है स्टार्च तीसरा है केरोटीन और चौथा है तो बताइए आप सभी लोग इसका आंसर क्या होगा बताइए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बताइए आप सभी लोग कार्बोहाइड्रेट का किससे मैच होगा तो कार्बोहाइड्रेट को हम किससे मैच करेंगे स्टार्च से किससे स्टार्च से, से. वही एंजाइम क्या होगा बताइए एंजाइम का क्या होगा एंजाइम होगा पेप्सिन क्या होगा पेप्सिन हार्मोन क्या होता है हार्मोन यानी पोजेस्ट्रॉन और प्रोटीन का संबंध कीरोटीन से होगा किससे कीरोटीन से तो हमारा आंसर क्या हुआ बताइए ए का टू बी का वन सी का फोर और डी का थ्री तो बताइए आप सभी लोग आंसर क्या होगा टू वन फोर थ्री क्या होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी हमारा आंसर है ठीक है टू वन फोर थ्री ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है अनुवांशिकी परिवर्तन इनमें होता है ए डीएनए बी आरएनए सी क्रोमोसोम और डी राइबोसोम्स तो बताइए आप सभी लोग अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्या हो? किसमें होता है उत्परिवर्तन क्या होता है बताइए उत्परिवर्तन क्या होता है उत्परिवर्तन क्या होता है जब किसी जीव में अचानक ही परिवर्तन होने लगे तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं और यह किसमें होता है यह होता है डीएनए में किसमें होता है डीएनए में हमारा आंसर क्या हुआ ऑप्शन ए ठीक है ऑप्शन ए हमारा आंसर आंसर हुआ और अनुवांशिकी उत्पादन किसमें होता है डीएनए में ठीक है राणा प्रताप जी आपका आंसर बिल्कुल सही है चलते हैं अगले प्रश्न पर डीएनए का मूल मात्रक क्या है बताइए डीएनए का मूल मात्रक क्या है ए विटामिन बी न्यूक्लियो न्यूक्लियोसाइड्स सी न्यूक्लियोटाइड्स और डी वसा तो बताइए सभी लोग डीएनए का मूल मात्रक क्या होगा बताइए इसका आंसर दीजिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए डीएनए का मूल मात्रक क्या होगा तो डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा न्यूक्लियोटाइड्स तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड्स विटामिन विटामिन की खोज किसने की थी कैसीमिर फंक ने किसने कैसी मीर ने कब की थी 1912 में ठीक है और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं दो कौन से वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील वसा में खुलनशील कौन कौन से होते हैं ए डी ई के और पानी में बी और सी ठीक है और वसा क्या करता है यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है क्या करता है यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है ए यहां पे कोशिका का आवाज आ रही है सभी को आवाज आ रही है यह क्वेश्चन डिस्कनेक्ट कहां से हुआ था बताइए यह क्वेश्चन हुआ था चलिए एक बार क्वेश्चन ये वाला और देख लेते हैं बताइए वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है ए कोशिका भित्ति यहां पे कोशिका कर लीजिए आप लोग ठीक है दूसरा है बी माइट्रोकॉन्डिया सी केंद्रिका और डी प्लाज्मा झिल्ली तो बताइए वनस्पति वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका भित्ति से किससे कोशिका भित्ति से अब बात करते हैं माइट्रोकॉन्डिया तो माइट्रोकॉन्डिया को हम लोग क्या कहते हैं माइट्रोकॉन्डिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है अमीनो अम्ल मिलते हैं ए स्टार्च में यहां पे स्टार्च कर लीजिए आप लोग ए स्टार्च में बी वसा में सी खेल में और डी प्रोटीन में तो बताइए आप सभी लोग अमीनो अम्ल किस में मिलते हैं बताइए बताइए इसका आंसर दीजिए अमीनो अम्ल किसमें मिलते हैं तो अमीनो अमीनो हमले किस किसमें मिलते हैं बताइए तो अमीनो अम्ल जो होते हैं ये हमें प्रोटीन में मिलते हैं किसमें मिलते हैं प्रोटीन में मिलते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी ये हमें किसमें मिलते हैं अमीनो अम्ल में ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न लाइकेन एक प्रकार का द्वैव पादप है द्वैव पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी साह से बनता है यह किन दो वर्गों के पौधे होते हैं ए कवक तथा सांस, बी कवक और बैक्टीरिया सी शैवाल और कवक और डी शैवाल और मांस तो बताइए आप सभी लोग लाइकेन एक प्रकार का द्वैव पादप है ठीक है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी साहचर से बनता है किन दो वर्गों के पौधे होते हैं बताइए आप सभी लोग लाइकेन किन दो वर्गों के पौधा है बताइए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शैवाल तथा कवक क्या होगा शैवाल तथा कवक लाइक लाइकेन एक दयाव पौधा किस प्रकार का है लाइकेन तथा सॉरी शैवाल तथा कवक चलते हैं हम अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है ए प्रतिजन बी सी रोग प्रतिकारक और डी रोगाणु रोधक तो बताइए आप सभी लोग सभी लोग बताइए कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वेद तत्व जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है क्या होगा इसका आंसर <laughs> ए प्रतिजन बी प्रतिजैविक सी रोग प्रतिकारक और डी रोगाणुरोधक तो बताइए इसका आंसर क्या होगा तो सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व तो कौन से हैं प्रतिजैविक हैं कौन से हैं प्रति या एंटीबायोटिक क्या एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक वे तत्व हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन बी प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है ए प्रोटोजोवा बी बैक्टीरिया सी वायरस और डी नीमोटोड तो बताइए आप सभी लोग में से दूध खट्टा किया जाता है दूध किसके कारण खट्टा होता है बताइए बताइए आप सभी लोग दूध किसके कारण खट्टा होता है इसका आंसर क्या होगा दूध किस कारण खट्टा होता है दूध होता है बैक्टीरिया के कारण किसके कारण बैक्टीरिया के कारण ठीक है और कौन सा बैक्टीरिया होता है बताइए आप लोग वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है बताइए दूध किस बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है तो वो होता है लैक्टो बैसिलस लेलस लैक्टो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया।, लैक्टो बैक्टीरिया की वजह से दूध खट्टा हो जाता है ठीक है चलते हैं हम अगले प्रश्न पर <coughs> अगला प्रश्न है किणवक ए हार्मोन बी प्रोटीन सी कार्बोहाइड्रेट और डी जैविक उत्प्रेरक तो बताइए आप सभी लोग किणवक क्या है बताइए बताइए किणवक क्या होता है ए हार्मोन बी प्रोटीन सी कार्बोहाइड्रेट और डी जैविक उत्प्रेरक तो बताइए किणवक क्या होता है तो किणवक जो होता है ये एक जैविक उत्प्रेरक है क्या है एक जैविक उत्प्रेरक है तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी जैविक उत्प्रेरक उत्पेरकड़वक क्या करता है सॉरी जैविक उत्प्रेरक क्या करता है तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसकी दर को बढ़ा देता है क्या करता है रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है किणवक क्या है जैविक उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है किणवक या सॉरी जैविक उत्प्रेरक को हम एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं एंजाइम भी कहते हैं ठीक है चलते हैं हम अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है रेनिन पनीर बनाने के लिए पनीर बनाने में किस किणवक का उपयोग होता है ए रेनिन बी ट्रिप्स, ट्रिप्सिन सॉरी बी ट्रिप्सिन सी पेप्सिन डी एम तो बताइए आप सभी लोग पनीर बनाने में किस किणवक का उपयोग होता है बताइए पनीर बनाने में किसका उपयोग होता है बताइए तो पनीर बनाने में होता है रेनिन का उपयोग किसका रेनिन का उपयोग किस किणवक का रेनिन का उपयोग होता है तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है कीट निम्नलिखित से संबंधित हैं ए पोरिफेरा बी सिलेंट्रेटा सी एनालिडा और डी आर्थोपोडा तो बताइए आप सभी लोग कीट किससे संबंधित हैं बताइए कीट किससे संबंधित हैं बताइए आप लोग कीट किससे संबंधित हैं चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पोरीफेरा पोरीफेरा इसके अंतर्गत क्या आते हैं बताइए आप सभी लोग पोरी फेरा के अंतर्गत क्या आते हैं तो पोरी फेरा के अंतर्गत समुद्री जीव आते हैं क्या आते हैं समुद्री जीव पोरी फेरा के अंतर्गत समुद्री जीव आते हैं वहीं सीलन ट्रेटा की हम बात करें तो सीलन ट्रेटा के अंतर्गत क्या आते हैं बताइए तो सीलेंट रेटा के अंतर्गत जली जीव आते हैं जितने भी सब जली जीव होते हैं वह सभी सीलेंट रेटा के अंतर्गत आ जाते हैं अब बात करते हैं एनेलिडा की तो बताइए एनेलिडा के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं बताइए आप सभी लोग एनए नीला एनी लीडा के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं तो एने लीडा के अंतर्गत जैसे कि केंचुआ जोंक, जैसे जीव एनी लीडा के अंतर्गत आते हैं और कीट किससे संबंधित है तो कीट ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है जिन्होंने भी ऑप्शन आंसर ऑर्थोपोडा संघ दिया है सभी का आंसर सही है किसने किसने दिया है इश्तिकार जी राणा जी आप सभी का आंसर सही है ठीक है चलते हम अगले प्रश्न पर अगले प्रश्न प्राय किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है एक केंचुआ बी टिड्डा सी मधुमक्खी और डी चीटी तो बताइए आप सभी लोग किसान का अच्छा मित्र किस जीव को कहा जाता है बताइए बताइए किसान का अच्छा मित्र किस जीव को कहा जाता है यह कहा जाता है केचुआ को किसको? केंचुआ को तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए खेचुआ ठीक है चलते हैं हम अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, समुद्री ककड़ी सी को निम्नलिखित में से किसे अंगित करता है ए समुद्री सहवाल बी एक समुद्री आकुशेर की या इन्वर्टिब्रेट सी सलाद के लिए एक सब्जी और डी एक मछली तो बताइए आप सभी लोग समुद्री ककड़ी जो होती है समुद्री ककड़ी या सी निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है बताइए आप सभी लोग बताइए इसका आंसर दीजिए सभी लोग ये क्या है समुद्री ककड़ी या सी जो है ये एक समुद्री आग रुकी है क्या है समुद्री आ कशरुकी है हमारा तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी एक समुद्री आग कशरुकी या इनवर्टी ब्रेड ठीक है चलते हैं हम अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है चीटी के कितने पैर होते हैं ए छे बी चार सी आठ और डी दो तो बताइए आप सभी लोग चीटी के कितने पैर होते हैं बताइए इसका आंसर दीजिए सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए चीटी के कितने पैर होते हैं गिने हैं किसी ने आप सभी में बताइए बताइए आप सभी लोग चीटी के कितने पैर होते हैं तो चीटी के कितने पैर होते हैं छह पैर क्या होते हैं छह पैर होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं इन्हें हम जायंट लेग कहते हैं क्या कहते हैं जायंट लेग ठीक है तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए सिक्स चीटी के कितने पैर होते हैं छे जिन्हें हम क्या कहते हैं जैंटलिक ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न पर और चीटी किसके अंतर्गत आती है ये आर्थोपोडा आर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आती किसके ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आती है चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है ए फ्लोएम, बी मज्जा सी कार्टेक्स और डी तनाग्र तो बताइए आप सभी लोग सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है ए फ्लोएम बी मज्जा सी कार्टेक्स और डी तनाग बताइए इसका आंसर दीजिए सभी लोग तो इसका आंसर होगा समान्यता वायरस तनाग को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है तो जो वायरस होता है वो तनाग को छोड़कर तनाग यानी स्टेम को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है अगला प्रश्न है एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है बताइए ए जीजो, जीजो, सॉरी जीडोरुडीन जीडोरुडीन माइकोनोजोल नॉनोक् नौनौक्षी, नॉनोक्सिन नाइन और विरोजोल नाइन तो बताइए आप सभी लोग एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है बताइए आप सभी लोग दिया जाता है वीराजोल की बीमारी में किसमें एमएमआर का जो टीका होता है वो वीराजोल बीमारी में दिया जाता है वही बात कर रहे हैं हम जीडो रुडीन की यह किसे दिया जाता है ये एचआईवी संक्रमित जो रोग होते हैं एच संक्रमित पेशेंट को यह दवा दी जाती किसे एच संक्रमित रोगियों को बात करें माइक, माइकोनोजोल की तो बताइए माइकोनोजोल किसको दी जाती है बताइए आप सभी लोग तो जो त्वचा संक्रमण होता है त्वचा संक्रमण एथलीट फुट जैसी बीमारियों में माइकोनोजोल दिया जाता है क्या होता है माइकोनोजोल दिया जाता है बात आती है नोनोक्सिल नोनोक्सिन नाइन ये किस बीमारी में दी जाती है बताइए इसका उपयोग कहां होता है बताइए यह बर्थ कंट्रोल मेडिसिन है क्या है यह एक बर्थ कंट्रोल मेडिसिन है Nonoxynol-9 क्या है यह एक बर्थ कंट्रोल मेडिसिन है जो स्पम को किल कर देता है क्या करता है स्पम को किल कर देता है ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया बीमारी है ए खसरा बी क्षय रोग सी रेबीज और डी मलेरिया तो बताइए आप सभी लोग हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है <coughs> बताइए हाइड्रोफोबिया बीमारी क्या होती है बताइए तो हाइड्रोफोबिया बीमारी जो होती है ये रेबीज होती है किससे रेबीज और रेबीज और हाइड्रोफोबिया कब होता है जब पागल कुत्ता काट लेता क्या होता है जब पागल कुत्ता काटता है तो हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाती है पागल कुत्ते के काटने से और इसमें क्या होता है इसमें जो संक्रमित व्यक्ति होता है या जो संक्रमित व्यक्ति होता है हाइड्रोफोबिया से उसे पानी से डर लगने लगता है क्या होता है उसे पानी से डर लगने लगता है चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है ए कुत्ता काटने पर बी बचपन में ही सी पांच वर्ष की उम्र में और डी सांप काटने पर तो बताइए आप सभी लोग एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है तो एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है कुत्ता काटने पर किस पर कुत्ता काटने पर एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे कहते हैं ए सिकेल सेल बी हीमोफीलिया सी मलेरिया और डी कैंसर <coughs> तो खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं हीमोफीलिया क्या कहते हैं हीमोफीलिया और खून का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है विटामिन के की कमी से किससे विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है ठीक है और हीमोफीलिया रोग हो जाता है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है फाइलोक्विनोन क्या होता है फाइलोक्विनोन <coughs> चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है एपीडर्मिक रोग संबंधित है ए गला बी कान सी त्वचा और डी नाक तो बताइए आप सभी लोग एपीडर्मिक रोग किससे संबंधित है बताइए रोग किससे संबंधित है बताइए आप लोग एपीडर्मिक रोग किससे संबंधित है तो रोग जो होता है किससे संबंधित है ये त्वचा से संबंधित है किससे त्वचा से गला गले में कौन सी बीमारी हो जाती है टॉन्सिल हो जाता है टॉन्सिल और नाक से नाक से कौन सी बीमारी नाक से खून आना जैसे कौन सी बीमारी है तो यह है सिनोसिटिक, सिनोसिटिस, ठीक वही कान से तो कौन से कौन सी संबंधित बीमारी होगी बताइए डीफनेस यानी बहरापन <coughs> एपीडर्मिक रोग किससे संबंधित है त्वचा तो अच्छा से गला से टॉन्सिल, नाक से सिनोटिटिस नोसिटिस इसमें नाक से खून आने लगता है और कान से यानी डीफनेस या बहरापन ठीक है तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था कल हम आपसे कुछ नेशन हम आपसे कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे तो चलिए आज की क्लास पर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार